Good morning, Vestigians. Welcome to today's e-training session. Our product for today's training is Vestcare Insta Relief Cream, which is a fast-acting relief formula. हम सब कभी ना कभी बॉडी पेन जैसी प्रॉब्लम की शिकायत करते हैं. इसका एक रीजन हो सकता है जॉइंट पेन्स या मसल पेन. सबसे पहले हम जानेंगे जॉइंट और बोन्स में क्या डिफरेंस होता है. जॉइंट्स दो हड्डियों के बीच का कनेक्शन होता है. जॉइंट्स और उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर आपके एल्बो, नीज, बैक को मुड़ने में मदद करते हैं. ये हमारे हिप, हेड और फिंगर मूवमेंट्स को अलाउ करता है. हमारे बोन्स के बीच में स्मूथ टिश्यू होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं. सिबोनियम और लुब्रिकेंट जैसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो हमारे जॉइंट्स को कुशन करता है जिससे हमारे बोन्स आपस में रब नहीं होते. उम्र के साथ या कोई छोटी चोट और बहुत ही कॉमन जैसे हमारा रॉन्ग सिटिंग पोस्चर और वेट बढ़ने से हमारे बोन्स के बीच के कार्टिलेज को नुकसान हो सकता है, और ये काफ़ी कॉमन रीज़न है हमारे जॉइंट्स को डैमेज करने का. सो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न हाउ वी कैन केयर अबाउट आवर जॉइंट्स. अगर आपको अपने जॉइंट्स को मजबूत करना है तो आपको अपने मसल, लिगामेंट्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा. देयर आर फ्यू टिप्स टू कीप योर जॉइंट्स हेल्दी. अपने वजन पे रेगुलरली ध्यान दें. अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए एक्सरसाइज लाइक योगा, रनिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा करें, क्योंकि लेस मूवमेंट का मतलब है स्टिफनेस इन योर जॉइंट्स. स्ट्रेट बैठना और खड़े होने के पोस्चर से हम अपने नेक और नीज के जॉइंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सिटिंग पोस्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमारे हिप जॉइंट्स और बैक मसल्स को गार्ड करता है. हमें अपने जॉइंट्स और बोन्स की हेल्थ के लिए उन्हें अच्छा पोषण देना होगा. मजबूत हड्डियों के लिए भरपूर मात्रा में कैल्शियम लेना होगा, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स, ब्रोकली, फिग एक्सेट्रा, और यू कैन कंज्यूम वेस्टेज कैल्शियम डेली. प्रोटीन का सेवन करें अपने मसल हेल्थ के लिए. सी फूड, बीन्स, मीट, एग्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. आप वेस्टेज प्रोटीन पाउडर और इनविगो प्रोटीन को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं. गुड डोज ऑफ विटामिन डी, जो हमारे जॉइंट्स की हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है और हमें कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है. व्हाट इज जॉइंट स्ट्रेन एंड स्प्रेन? मसल बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह होते हैं, जैसे हमारी बॉडी को मूवमेंट मिलता है. मसल स्ट्रेन ये तब होता है जब हम अपने मसल को रबर की तरह एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर देते हैं, और हमें कॉमनली ये होता है नेक, बैक या लेग्स में. स्प्रेन हमें तब हो जाता है जब हम अपने लेगामेंट, जो एक टिश्यू हमारे बोन्स को होल्ड करता है, उसे एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर देते हैं. उससे ये हमें माइल्ड स्प्रेन या फिर सीवियर स्प्रेन भी हो सकता है. ये ज़्यादातर हमें एंकल, रिस्ट या नीज में होता है. और आइए जानते हैं स्प्रेन और स्प्रेन के कुछ कॉमन सवाल. स्ट्रेन और स्प्रेन में क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रेन मसल पेन है. ये हमें या तो इमिजिएटली हो सकता है या फिर हमें कुछ घंटों बाद हो सकता है, हमें चोट लगने के बाद. ये हमें सूजन भी देता है. और उसी तरह स्प्रेन हमें इमिजिएट पेन देता है, और इससे सूजन हो जाती है और एक चोट जैसा बन जाता है. ये कैसा होता है? स्ट्रेन होता है जब हमें ये कैसे होता है स्ट्रेन होता है जब हमें हमारे मसल के काफ़ी प्रेशर हो जाता है, जैसे हैवी वेट उठा लेना. और स्प्रेन हो जाता है जब हमारा कोई एंकल ट्विस्ट हो जाए, जिसे हमें कोई स्प्रेन इंजरी कहते हैं. हमें क्या करना चाहिए अगर हमें स्प्रेन या स्प्रेन हो जाए? ये बहुत मुश्किल हो जाता है बताना कि हमें स्प्रेन है या हमें बोन फ्रैक्चर हो गया है, क्योंकि ये उसी तरह से बहुत पेन करता है और सूजन दे देता है. तो इसीलिए दोस्तों, बेटर है कि हम उस बॉडी पार्ट को इमिजिएटली ना मूव करें और उसे देखें और डॉक्टर से सलाह लें. हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर इंजरीज? इट इज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन ऑलवेज.
और कुछ सिंपल स्टेप्स जिसे हम कहते हैं राइस। आर माने रेस्ट, रेस्ट द बॉडी पार्ट। जब हमें स्प्रेन हो अपने बॉडी पार्ट को हमें रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। आइस, आई माने आइस, आइस पैक उस बॉडी पार्ट पे लगाएं ताकि सूजन और दर्द कम हो जाए। सी माने कंप्रेशन, बैंडेज से उस हिस्से को बंद कर दें ताकि सूजन ना बढ़े, उसे कंप्रेशन दें। ई माने एलिवेशन, इंजर पार्ट को अपने हाथ से ऊपर तक तक ऊपर करें ताकि सूजन ना बढ़े। और अगर 24 घंटे बाद उसी मसल को हम रिलैक्स करें एक हॉट थेरेपी देके, फिर भी अगर पेन ना जाए तो दोस्तों डॉक्टर से मिलना जरूरी है। वेस्क्यूलर इंस्टा रिलीफ क्रीम। सो लेट्स लर्न अबाउट आवर इंस्टा रिलीफ क्रीम। ये एक यूनिक फॉर्मूला है जो हमें जॉइंट पेन्स और स्वेलिंग से इमीडिएट राहत देता है। ये नॉन ग्रीसी, इजीली एब्जॉर्ब होने वाली क्रीम है जो हमें इंस्टेंट कूलिंग सेंसेशन देती है, जिससे हमें दर्द में काफी मदद मिलती है। ये क्रीम कुदरती तत्वों से बनी है, जैसे मेंथॉल, कैम्फर, यूकेलिप्टस, जिससे हमें इंस्टेंट पेन रिलीफ मिलता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड आई होप दिस ट्रेनिंग इज यूजफुल टू यू। और आप जैसे कि जानते ही हैं, हम 1600 के ऊपर की डिलीवरी पे फ्री डिलीवरी दे रहे हैं और ये ऑफर वैलिड है टिल द लॉकडाउन। थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। डू लाइक, शेयर एंड आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव। विश यू वेल।